हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वहीदा रहमान का जिक्र चलते ही ऐसी हीरोइन का, ऐसी आर्टिस्ट का अक्स उभरता है जिन्होंने अपने दौर में सत्यजीत रे से लेकर गोल्डी विजय आनंद तक सारे दिग्गज फिल्म मेकर्स को मुक्त कर दिया था। सत्यजीत रे से अभिज्ञान में काम करने का ऑफर पाकर वहीदा रहमान सचमुच बहुत घबरा गई थी। पथेर पंचाली, अपराजित, जल सागर, अपूर संसार, देवी, तीन कन्या, इन क्लासिक फिल्मों के डायरेक्टर ने याद किया है, तब पल भर के लिए वहीदा रहमान को यकीन नहीं हुआ था। उन्होंने तब अपनी समस्या बताई थी, न तो वो बंगाली बोल पाती हैं, न समझ पाती हैं। इस पे उनके फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फिल्म मेकर का नाम है सत्यजीत रे, आंख बंद करके हाँ कह दो। ऐसा मौका जिंदगी में कभी कभार ही मिलता है, जस्ट से यस। दोस्तों वहीदा रहमान एक बेहतरीन अदाकारा, उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत और यादगार फिल्मों में काम किया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वहीदा रहमान के फ्रेंड्स ने उन्हें समझाया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फिल्म मेकर का नाम है सत्यजीत रे, आंख बंद करके हाँ कह दो। ऐसा मौका जिंदगी में कभी कभार मिलता है, जैसे यस। लिहाजा एक पल की देर किए बिना वहीदा रहमान कलकत्ता रवाना हो गई थी। दोस्तों वो भी वहीदा रहमान थी, प्यासा, 16 साल, कागज के फूल, काला बाजार, एक फूल चार कांटे, चौधरी का चांद जैसी सुपर हिट फिल्मों की हीरोइन। उन दोनों की डेट की डायरी के सारे पेजेस भरे हुए थे। इन सब बातों को नजरअंदाज कर एक एक्ट्रेस का मुकाम पाने के लिए शुरू हुआ उनका एक नया अभिज्ञान, गुलाबी। अभिज्ञान के अपने इस किरदार को बेहद सार्थक रंग देने के लिए गोरी चिट्टी वहीदा रहमान को अपना रंग सांवला करना पड़ा था, क्योंकि एक कलाकार के तौर पे वो एक सुकून था, एक संतुष्टि थी, क्योंकि सत्यजीत रे उनके परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए थे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों हैदराबाद के वेल टू डू परिवार में वहीदा रहमान का जन्म हुआ था। उनके पिता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन आखिर उनके पिता वाइजैग में परमानेंट रूप से रहने लगे थे। चारों तरफ समंदर से घिरे इस शहर वाइजैग में ही वहीदा रहमान का लालन पालन हुआ, उनकी परवरिश हुई, उनकी तालीम हुई। दक्षिण भारतीय परिवार में शुरू से प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ नृत्य संगीत का चलन भी रहा है, आप सभी जानते हैं। वहीदा भी इस मामले में अपवाद नहीं थी, ये उनके माता पिता के प्रोत्साहन का ही नतीजा था कि उन्होंने पढ़ाई के साथ ही नृत्य सीखना भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने विख्यात नृत्य शिक्षक मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से नृत्य में शिक्षा लेना शुरू कर, उसके बाद वहीदा रहमान ने कैसे तरक्की की, कैसे नृत्य को और अपने काम को आगे बढ़ाया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वहीदा रहमान ने नृत्य की शिक्षा मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से लेना शुरू कर दी, लेकिन वहीदा रहमान जब सिर्फ 12 साल की थी तब उनके पिता चल बसे। विधवा माँ के साथ शुरू हुआ उनका जीवन संघर्ष, इसी के साथ नृत्य शिक्षा भी जारी रही। इसी दौरान एक नृत्य अनुष्ठान में उनका नृत्य देखकर एक तमिल फिल्मों के डायरेक्टर ने उनकी माँ से अपनी अगली फिल्म में लेने की इच्छा भी। इसी दौरान एक परफॉर्मेंस में वहीदा रहमान का नृत्य देखकर तेलुगु फिल्मों के एक डायरेक्टर ने उनकी माँ से अपनी फिल्म में वहीदा रहमान को लेने की इच्छा व्यक्त। लिहाजा 1955 में पहली बार वहीदा रहमान कैमरा के सामने खड़ी हुई। फिल्म का नाम था जैसे हैं। ये फिल्म जब कंप्लीट हो रही थी तब उन्हें एक और तेलुगु फिल्म रजलू मराई में काम करने का ऑफर मिल गया। इसी के साथ रुपहले पर्दे में उनके करियर ने एक रफ्तार पकड़ ली, वहीदा रहमान का फिल्म करियर शुरू हो गया। उन पे हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वहीदा रहमान ने जयसिम्हा और तेलुगु फिल्म रजलू मराई में काम किया। गुरुदत्त ने ये फिल्म देखी और वहीदा रहमान का काम देखा, उन्हें वहीदा रहमान में एक स्टार क्वालिटी नजर आई और 1956 में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को मुंबई में याद किया। वहीदा रहमान वहाँ मुंबई चली गईं। पहली नजर में ही गुरुदत्त समझ गए कि बातों ही बातों में एक अनमोल रतन की उनसे मुलाकात हुई है, वो एक अनमोल रतन को पा चुके हैं। तब तक CID की हीरोइन तय हो चुकी थी, एक वैम का कैरेक्टर बाकी था, उस वैम के किरदार के हिस्से में एक गाना भी आया था। गुरुदत्त कॉन्फिडेंट थे कि ये गाना और
वहीदा रहमान को ऑफर किया गया किरदार वैम का किरदार डेफिनेटली हिट होगा। इस रोल के लिए गुरुदत्त ने वहीदा रहमान का चयन किया। उस समय दोस्तों वहीदा रहमान की उम्र हाँ या ना कहने की नहीं थी, इसलिए बिना कुछ कहे वहीदा रहमान ने वैम का वो किरदार फिल्म CID के लिए करना एक्सेप्ट कर लिया। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूँ आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों वहीदा रहमान ने फिल्म CID में वैम का किरदार निभाया। इसके बाद की कहानी आप सभी जानते हैं। गुरुदत्त उनके जिंदगी में एक अलग अध्याय बन गए, लेकिन गुरुदत्त से अलग खड़े होकर वहीदा रहमान ने गाइड, मुझे जीने दो, नीलकमल, प्रेम पुजारी, तीसरी कसम, खामोशी, रेशमा और शेरा, धरती, इन बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उनका अभिनय हमेशा यादगार बना। इन बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और अपने काम को उन्होंने यादगार तरीके से पेश किया। उनके किरदार यादगार बने, मेमोरेबल बने और उन्हें एक बेहतरीन एक्ट्रेस का खिताब मिल गया। 1991 में यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे के रिलीज के बाद वहीदा रहमान ने तय किया कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे। इसके बाद वहीदा रहमान पूरे 12 साल तक फिल्मों से दूर रही। इस दौरान एक लंबी बीमारी के बाद उनके पति कंवल जीत की मृत्यु हो गई। उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। मुंबई से उन्हें लगातार याद किया जा रहा था, इसलिए वहीदा रहमान फिर से मुंबई के अपने बंगले में रहने लगे। जाहिर है अभिनय की उनकी सेकंड इनिंग्स फिर शुरू हो गई। वही हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वहीदा रहमान फिर से मुंबई में रहने लगे। उन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम फिल्में सिलेक्ट करती हैं। हर ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो काम करना चाहती हैं, लेकिन बहुत कम और बहुत अच्छा। वो बहुत चूजी हैं। उनके फैंस इसी बात से खुश हैं कि वो फिल्मों में दोबारा नजर आने लगी हैं, क्योंकि उनका काम सभी को अच्छा लगता है। वो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वहीदा रहमान की सबसे फेवरेट, सबसे यादगार फिल्म कौन सी है? अपनी फिल्मों में विजय गोल्डी आनंद की फिल्म गाइड को वो एक महत्वपूर्ण फिल्म मानती है। इस फिल्म के बनने तक कोई विश्वास भी नहीं करता था कि वहीदा रहमान को अच्छा नृत्य भी आता है। सब यही कहते थे कि मद्रास में आई सभी एक्ट्रेसेस अपने आप को अच्छा डांसर्स मानती हैं, समझती हैं, लेकिन वहीदा रहमान ने उन्हें समझाया कि उन्हें सचमुच अच्छा नृत्य आता है। उन्हें नृत्य प्रधान रोल्स मिलने चाहिए, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था। सभी उन्हें चौधरी का चांद की हीरोइन समझते थे। आखिर में विजय गोल्डी आनंद ने उनके कहने पर विश्वास कर गाइड की हीरोइन रोजी की भूमिका उन्हें ऑफर की। गाइड के नृत्य इस कदर लोकप्रिय हुए कि उनकी फिल्मों के बाकी निर्माता भी अपनी फिल्मों में अब बेवजह उनका नृत्य रखने लगे। गाइड वहीदा रहमान की सबसे बेहतरीन फिल्म है, ये मानती हैं खुद वहीदा रहमान। उनके करियर की सबसे खूबसूरत फिल्म गाइड है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों गाइड के गाने, गाइड के डांसेस बहुत बहुत पसंद किए गए और सभी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने भी मान लिया कि वहीदा रहमान एक बहुत ही अच्छी डांसर है। और उसके बाद उनके हर फिल्म में वजह बेवजह से उनका नृत्य रखा जाने लगा। फिल्म दिल दिया दर्द लिया में वहीदा रहमान उन दोनों काम करी थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे करदार साहब, उन्होंने इस फिल्म में भी उनका नृत्य रखना चाहा। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, फिल्म की कहानी में उनके नृत्य की कोई जगह ही नहीं थी। इस फिल्म में वहीदा रहमान एक दबी और सीरियस लड़की की भूमिका निभा रही थी, और ऐसी भूमिका में नृत्य करते हुए वो भला कैसे अच्छी लगती। लेकिन AR करदार तो जिद्दी थे। वो जिद पे थे कि वो फिल्म में एक ऐसा नृत्य रखने वाले हैं जिसमें वहीदा रहमान को नृत्य करना ही होगा। लेकिन AR करदार की तो जिद थी कि वो फिल्म में ऐसा एक नृत्य रखेंगे ही। तब वहीदा रहमान ने एक बहाना बनाया। एक दिन वो स्टूडियो पहुंची और उनसे बोली, करदार साहब कल गाइड की शूटिंग के दौरान मेरा पैर फिसल गया और पैर में मुझे मोच आ गई है। डॉक्टर का कहना है मैं 1 साल तक डांस नहीं कर पाऊंगी। ये सुनते ही AR करदार ने फिल्म में नृत्य रखने का अपना इरादा छोड़। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों गुरुदत्त ने कई बड़ी फिल्मों का निर्माण किया था। उनकी फिल्म कागज के फूल में एक सीन था जहां बेबी नाज वहीदा रहमान से आकर शिकायत करती है कि उन्होंने उसके माँ बाप को अलग किया है। वहीदा रहमान को जवाब में कहना था, तुम्हारी तो माँ है
बाप मर गया है तो क्या हुआ, मेरा तो कोई नहीं है। लेकिन न जाने क्यों वहीदा रहमान जब भी ये डायलॉग बोलती उन्हें रोना आ जाता। कई बार रीटेक हुआ। बात ये थी कि इस शॉट को पिक्चराइज करने से कुछ दिन पहले ही उनकी माँ की मृत्यु हुई थी, इसलिए जब भी उन्हें ये डायलॉग बोलना पड़ता था वो रो पड़ती थी। हर कलाकार बहुत संवेदनशील होता है, उनके निजी जीवन के अनुभव भी, कलाकार के निजी जीवन, कलाकार के पर्सनल लाइफ के अनुभव भी उनकी भूमिका पे गहरा असर डालते हैं, और यही हुआ वहीदा रहमान के साथ। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिनको अभिनय करते समय ऐसा लगता है कि वो अवार्ड दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिल्म खामोशी के बारे में वहीदा रहमान के साथ ऐसा ही हुआ। इस फिल्म में यानी खामोशी में अपनी भूमिका से वहीदा रहमान ने ऐसी उम्मीद बांध रखी थी, क्योंकि इस रोल को बड़ी गहराई से निभाया था और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इसके लिए उन्हें ढेर सारे पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों फिल्म खामोशी में काम करने की इच्छा वहीदा रहमान को तब से थी जब से उन्होंने इस फिल्म की कहानी पे बनी बांग्ला फिल्म दीप जेले जाए देखी थी। इस फिल्म का हिंदी वर्जन बनाने के लिए वहीदा रहमान ने कई प्रोड्यूसर्स से कहा, लेकिन सभी यही बात कहते थे कि ये तो आर्ट फिल्म का थीम है, और तब वहीदा रहमान बहुत डिसअपॉइंट हो जाते। लेकिन एक दिन हेमंत दा उनके पास आए, यानी हेमंत कुमार। उन्होंने वहीदा रहमान की बात कैसे मानी, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों एक दिन हेमंत कुमार वहीदा रहमान के पास आए, उन्होंने इस फिल्म के निर्माण की योजना बनाई थी और वो इस फिल्म में वहीदा रहमान को लेना चाहते थे। हेमंत कुमार ने फिल्म फौरन शुरू कर दी। जब अच्छी फिल्म बनने के बाद कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने को तैयार नहीं हुआ तो हेमंत कुमार बहुत परेशान हुए। हेमंत कुमार ने एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये फिल्म खामोशी दिखाई तो उन्होंने इस फिल्म को कलर बनाने की सलाह दी। जब ये बात मालूम हुई तो वहीदा रहमान ने उन्हें सुझाव दिया कि वो पूरी फिल्म बनाने के बाद ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ये फिल्म दिखाए। हेमंत कुमार ने वैसा ही किया। जब फिल्म खामोशी कंप्लीट हो गई तभी उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया गया, और रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने खामोशी ने जबरदस्त तहलका मचा दिया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों फिल्म खामोशी में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार मिलने की वहीदा रहमान को पूरी पूरी उम्मीद थी। उन्हें यकीन था कि उस वर्ष का पुरस्कार उन्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन इस फिल्म के रोल के लिए, किरदार के लिए उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। हाँ उन्हें एक पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला फिल्म नीलकमल की भूमिका के लिए। नीलकमल में वहीदा रहमान ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन न जाने क्यों वहीदा रहमान को लगता है कि इस रोल में यानी नीलकमल के रोल में ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें पुरस्कार मिले, लेकिन पुरस्कार उन्हें मिला फिल्म नीलकमल के रोल के लिए, और जिसके लिए उन्हें उम्मीद थी उस फिल्म खामोशी के रोल के लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। बट दैट्स लाइफ, यही जिंदगी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों वैसे तो इमोशनल रोल्स में वहीदा रहमान को खास दिलचस्पी है, लेकिन एक एक्ट्रेस के रूप में ऐसे रोल करके उन्हें काफी संतोष मिलता है। ऐसी ही एक भूमिका थी फिल्म तीसरी कसम की, जिसे बनाया था शैलेंद्र ने। इस फिल्म की अपनी नौटंकी वाली बाई की भूमिका से वो बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य ने फिल्म की शूटिंग करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा था कि फिल्म का जो भी सीन फिल्माया जाए वो जिंदगी के बहुत करीब हो। तीसरी कसम लाजवाब फिल्म थी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों फिल्म तीसरी कसम की अपनी भूमिका के लिए वहीदा रहमान बहुत ही खुश थे। ये रोल जिंदगी के बहुत करीब था, और इसी नजरिए से डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य ने इसे पिक्चराइज भी किया था। रियलिस्टिक, जिंदगी के बहुत करीब और बहुत ही टचिंग, सेंसिटिव। इस फिल्म में एक गाना था जिसका डायरेक्शन किया था शंभू महाराज ने। शंभू महाराज और बासु भट्टाचार्य ने वहीदा रहमान को एक गाना सुनाया और उनसे कहा कि उस गाने पे वो अपने हिसाब से डांस करें, नृत्य करें। पहले उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं शंभू महाराज हैं, वो उन्हें बताएं कि इस पे कैसे नृत्य किया जाए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको सही लगे, स्पॉन्टेनियस आप वैसे इस पे एक नृत्य करें, इम्प्रोवाइज करें, उनके कहने पे बासु भट्टाचार्य और शंभू महाराज के कहने पे उन्होंने उस गाने पे डांस की और लोगों ने उसे बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील।
दोस्तों वहीदा रहमान ने बहुत सारी खूबसूरत फिल्मों में काम किया, खामोशी, गाइड, तीसरी कसम, दिल दिया दर्द लिया, चौधरी का चांद, कागज के फूल, प्यासा, सभी फिल्में यादगार। लेकिन वहीदा रहमान मानती हैं कि गाइड का किरदार उनका सबसे मेमोरेबल, सबसे यादगार किरदार है, सबसे बेहतरीन फिल्म है उनके करियर की गाइड, क्योंकि विजय आनंद ने उसे इस तरह बनाया कि उसमें कहानी थी, जज्बा था, ये एक बहुत ही खूबसूरत थीम था फिल्म गाइड का। वहीदा रहमान एक बहुत ही जबरदस्त अदाकारा है, एक महान कलाकार, वो जब भी काम करती हैं दिल से करती हैं, तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।